प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। उसके लिए मैंने यहाँ 4 शिमला मिर्च और 2 आलू लिए हैं। इसे अब हम कट कर लेंगे। हाँ, मैंने आलू और शिमला मिर्च को कट कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, तेल गरम हो चुका है, इसमें हम हींग डालेंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। प्याज, इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। इसे हम अब थोड़ा पकने देंगे। इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें हमने हरी मिर्च ऐड की है तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही ऐड करें, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कटा हुआ आलू ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को अब हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए आलू को पकने देंगे। इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे कटा हुआ। शिमला मिर्च को ढककर हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। इसमें टोमेटो ऐड करेंगे, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना। मैं इसे बीच बीच में चला रही थी। सब्जी तैयार है। इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा ही गरम मसाला ऐड करें। और गैस बंद कर दे। इसे हम सर्व करेंगे। तैयार है हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।